पीडीएफ दे दूंगी, क्लास 7 को पेज नंबर 102 पर यह मिल जाएंगे और क्लास 8 को इसका पीडीएफ मिलेगा जो आपको राइट करना है। तो चलिए विलोम शब्द शुरू करने से पहले हम विलोम शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। विलोम शब्द का अर्थ होता है किसी भी शब्द का ठीक उसके विपरीत शब्द, विलोम शब्द कहलाता है, यानी कि उल्टा। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं तो हम सत्य और असत्य, यानी सच और झूठ, मित्र शत्रु, इस प्रकार के हिंदी में हमने कई पढ़े हैं। आज हम संस्कृत के पढ़ने जा रहे हैं तो आप सभी बोर्ड पर ध्यान दीजिए। श्व, श्व का अर्थ होता है बीता हुआ कल, हा यानी का अर्थ होता है आज, जो कल बीत चुका है उसका ठीक विपरीत हो गया आज, कल आज। प्राचीनम नवीनम, प्राचीनम का अर्थ होता है पुराना और नवीनम का मतलब होता है नया। खिन्नम प्रसन्नम, खिन्न का अर्थ होता है क्रोध, यानी जब मन को अच्छा नहीं लगता है तो वह व्यक्ति खिन्न होता है, तो और उसका ठीक विपरीत हो गया प्रसन्न, जब कोई व्यक्ति बहुत खुश होता है तो वह प्रसन्न चित्त दिखता है। मधुरम कटु, मधुरम का अर्थ होता है मीठा और कटु का अर्थ होता है कड़वा। प्रदोषम प्रभात, अब प्रदोष का मतलब होता है सायं और प्रभात का अर्थ होता है सुबह। सुपुत्र कुपुत्र, सुपुत्र का अर्थ होता है ऐसा पुत्र जो हमेशा अच्छे कर्म करे और अपने परिवार का नाम रोशन करे, लेकिन उसके ठीक विपरीत कुपुत्र क्या कहलाता है, ऐसा बच्चा जो हमेशा गलत राह पर चले और अपने साथ दूसरों को भी दुखी करे, वह होता है कुपुत्र। भूमि आकाश, भूमि का अर्थ होता है धरती और आकाश का मतलब आसमान से है। प्रिय अप्रिय, कोई वस्तु जब हमें बहुत प्रिय लगती है तो वह प्रिय कहलाती है, अप्रिय जो हमें पसंद ना हो। सत्य असत्य, सत्य का मतलब सच और असत्य का मतलब झूठ। रवि चंद्र, रवि यानी सूर्य और चंद्र यानी होता है चंद्रमा। अब इसी तरह से हम देखते हैं रुग्ण स्वस्थ, रुग्ण का मतलब होता है बीमार और स्वस्थ का मतलब होता है जो व्यक्ति कोई प्रकार की जिसमें कोई बीमारी ना हो वो बिल्कुल स्वस्थ हो। भृत्य स्वामी, भृत्य का अर्थ होता है नौकर और स्वामी का अर्थ होता है मालिक। स्थूल सूक्ष्म, स्थूल यानी बड़ा और सूक्ष्म मतलब छोटा। बहि अंदर, बहि यानी बाहर, अंतर यानी अंदर। चलम अचलम, चलम मतलब चलना, अचलम यानी रुक जाना न चलना। निज पर, निज यानी अपना, पर यानी पराया। लघु चेतस उदार चेतस, अब उदार चेतस यानी बड़ी सोच वाला व्यक्ति और लघु चेतस यानी छोटे मन वाला व्यक्ति, जिसकी जिसकी चेतना बहुत छोटी है, जिसकी सोच बहुत छोटी है, तो लघु और उदार चेतस यानी उन दोनों की सोच के बारे में बताया है। विद्वान और मूर्ख, ऐसा व्यक्ति जो सब प्रकार की शिक्षा यानी विद्वान हो, जो हर चीज जानता हो, हर चीज का ज्ञाता हो, वह विद्वान कहलाता है, और मूर्ख जिसे किसी प्रकार की कोई जानकारी न हो वह मूर्ख कहलाता है। भय निर्भय, भय यानी डर और निर्भय यानी जो किसी से न डरता हो। एक अनेक, एक और अनेक यानी कोई एक वस्तु और उसकी जगह बहुत सारी वस्तु हो तो वह एक दूसरे के विपरीत हो गई, एक और अनेक। आगत्य निर्गत्य, आना और जाना दोनों ही एक दूसरे के विपरीत है। अधुना तदा, अधुना का मतलब होता है आज से, तदा यानी जो पहले हो चुका है। चीरा अचीरा, अब चीर, चीर काल आपने सुना होगा कि चीर काल से यह वस्तु यहाँ उपस्थित है, तो चीर काल यानी कि लंबा समय और अचीरा यानी छोटा समय। विस्तृत और लघु, विस्तृत यानी बहुत विशाल, लघु मतलब छोटा। निर्धन और धनी, जिसके पास पैसा ना हो वह निर्धन कहलाता है और धनी जिसके पास अधान संपत्ति हो, जिसके पास पैसा ही पैसा हो वह धनी कहलाता है। उष्ण शीतल, उष्ण का मतलब होता है गर्म और शीतल का अर्थ होता है ठंडा। आरोहण अवरोहण यानी बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में। स्मरण विस्मरण, स्मरण मतलब याद करना और विस्मरणम यानी भूल जाना। प्रश्न सम्मुख यानी पीछे और सम्मुख मतलब सामने। बलिष्ठ क्रशर यानी बलवान और क्रशर यानी कमजोर। तो यहाँ हमने 30 तरह के विलोम शब्द